हरे कृष्ण। श्री प्रह्लाद उवाच कौमारो आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान दुर्लभांग मानसंग जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। आप लोग सब प्रह्लाद महाराज का नाम सुना है। प्रह्लाद महाराज वैष्णव जन्म से कि माँ का पेट से जन्म, महाभागवत वैष्णव महाजन। शास्त्र में बताया है महाजन जीन गपंथा धर्म से तत्व निहितं गुहाया। धर्म का तत्व समझना थोड़ा मुश्किल है और सरल भी है। सरल इस तरह से है कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या चीज है उसको सरल व्याख्यान है जो भगवान जो कह देते हैं इसको पालन करो वो धर्म। कोई मुश्किल नहीं है, बाकी हम लोग से भगवान से संपर्क ही है नहीं। भगवान का मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, बोले कैसे और हमें सुने कैसे। अरे हमारा हाथ मुंह है और भगवान निराकार, तू बेचारी बोले कौन और सुने कौन। बाकी बात ये है धर्म क्या चीज है। धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान जैसे बताते हैं उसका अगर हम लोग सुने तो वो धार्मिकता है और नहीं तो सब अधार्मिक। जो भगवान की बात सुनता नहीं, जैसे स्टेट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो कह देता है वो कानून है। बड़े बड़े शहर में गवर्नमेंट कह देता है कीप टू द राइट, कीप टू द लेफ्ट। इधर में हमारा भारतवर्ष में कीप टू द लेफ्ट है, अमेरिका में कीप टू द राइट है। तो ये जो गवर्नमेंट का हुक्म है यही कानून है। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर, आप घर में कानून नहीं बना सकते, वो कानून नहीं है। इसी प्रकार धर्म जो है वो भगवान जो कह देते हैं वही धर्म है, नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो तुम जो फालतू सब धर्म निकाले हैं ये सब धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म और क्या क्या सब अनेक प्रकार धर्म सब निकले, ये सब धर्म नहीं। सभी पुंसान करो धर्म जतो भक्ति रदुख जी। वो धर्म असल धर्म है जिसको प्रतिपालन करने से भगवान में भक्ति होती, वो भक्त। और जिस धर्म को पालन करने से भगवान को बिल्कुल उड़ा दिया जाता है वो धर्म नहीं, वो चीटिंग है। कोई धर्म कोई तब भागवत बता रहे धर्म कोई तब प्रोज्जित जो चीटिंग धर्म है उसको लात मार के फेंक दिया गया है। प्रोज्जित प्रकृष्ट रूपे न अर्जित, जैसे आप लोग कूड़ा लात मार के झाड़ू देते भगा देते हैं फेंक देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म से भगवान का कोई संपर्क नहीं है उसको लात मार के फेंक देना, ये शास्त्र का निर्देश है। धर्म प्रोज्जित कोई तब परम निर्मल शरण। ये प्रह्लाद महाराज वही धर्म का प्रतिपालन करते, वो नारद जी से सीखा। इसलिए प्रह्लाद महाराज स्कूल में जाते थे, उनके पिताजी एक नंबर असुर, वो कहते थे हम भगवान आवार कौन है, हम भगवान, तो कौन भगवान का प्रार्थना करते हैं, कौन भगवान के उपासना करते हैं, हम भगवान है, हम हमसे बढ़कर कौन भगवान। ये पिता पुत्र से झगड़ा, और पुत्र बेचारी 5 वर्ष का लड़का वो
बाप से क्या कहें, एक नंबर वसूर। तू वही बोलता था, पिताजी आप क्यों ऐसा कहते हैं, आपका ऊपर जो है वो भगवान है। ये सब उनसे झगड़ा चल रहा था। तो ये जो धार्मिक प्रहलाद महाराज, जो वास्तविक धार्मिक है वो भगवान की कथा प्रचार करेंगे, ये धार्मिक का लक्षण। ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गया, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता जो भगवान से संपर्क नहीं है। अगर हो भी गया तो श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान का विषय सुना है उसको दिल चाहेगा मैं भगवान का मैं सुनाऊ दुनिया में, श्रवणम कीर्तनम। तो वास्तविक जो सुना है वो कीर्तन करेगा। हाँ, यही भगवत भक्त का लक्षण है। ये प्रहलाद महाराज बेचारी 5 बरस कलर का, वो कहाँ कीर्तन करे। तो स्कूल में जब मास्टर लोग चले जाते थे अपना कोई घर गृहस्थ काम करने के लिए, उस समय जो समय मिलता था वो प्रहलाद महाराज अपने सब क्लास फ्रेंड सहपाठी उनको बुला करके ये भागवत धर्म सिखाते। तो वो बोलता भाई अभी हम लोग का धर्म से क्या मतलब है, चलो कित कित खेले मजा करे। तो बोलता नहीं 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 ये बात नहीं ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता। यही बरस यही कौमार अवस्था से यही 5 बरस से शुरू करते जब आदमी कुछ बोल सकता है पढ़ सकता है सुन सकता है 5 वर्ष से शुरू हो जाए, उससे पहले परिपक्व नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ये सिखा रहे हैं। जो मित्र आप लोग सुनिए, ये भगवान की कथा सुनिए। और कहते हैं धर्मान भागवतान्य, और कोई धर्म का बात नहीं है, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या चीज है, वही भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म। वो भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वही धर्म है। भगवान का चरण में शरणागति, उसका नाम है धर्म। और सब चीटिंग है, धोखाबाज, तो भौतिक है, प्राकृत है। अप्राकृत जो है ट्रांसेंडेंटल वो भागवत धर्म है। भगवान जैसे बोलते हैं उस प्रकार काम करो तो वो भागवत धर्म है। और चैतन्य महापुरुष का प्रचार जो विषय यही है जो भागवत धर्म का प्रचार। कई दफे आप लोग से निवेदन किया है जो चैतन्य महापुरुष का यही मिशन है, क्या जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदे, हमार आज्ञा है गुरु भैया तारो सर्वदेश। हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाइए। और जहां आप रहते हैं उस सब लोग को आप क्या नाम रक्षा कीजिए, तारो तारो मीन्स मेक देम लिबरेटेड, उनको मुक्त कर दीजिए। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति कहते हैं हम तो लिखे पढ़े आए नहीं, कुछ जानते भी सुने भी नहीं, हम कैसे गुरु हो जाए और कैसे दूसरे को मुक्त कर दें, तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आपको बनाने नहीं पड़ेगा एक धर्म। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण गुरु, स्वयं कृष्ण भगवान सरी सत्य पूर्ण भगवान जो बताए हैं उसको सुना दीजिए, फिर आप गुरु हो गया। गुरु होने का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एवं परंपरा प्रातम एवं राजर्षय, ये परंपरा से भगवान भी कहते हैं बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवद गीता को सुना था।
इमं विवस्यते योगं प्रत्वान अहम अव्ययम्। क्षत्रिय लोग को सुनाया था, हमारा भारतवर्ष में चंद्र वंश सूर्य वंश होते हैं, तो सूर्य वंश को भगवान सुनाया, सूर्य देव को सुनाया था। और विवसान मनोविप्राहु सूर्य देव उनका पुत्र जो मनो उनको सुनाया, मनो महाराज ठाकुर सुनाया। इसी प्रकार परंपरा से ये भागवत धर्म आ रहे हैं। और सकालीन योग नष्ट परम, वो परंपरा जब से छूट गया, वो भगवत गीता को जब अनसेंट बेकू आदमी सब समझाने शुरू किया, वो नष्ट हो गया। योग नष्ट परम था, वो योग नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताया, तुमको हम सुना रहे हैं, तुम सुनो फिर वही भगवत भक्ति को प्रचार। तो हमको क्यों सुना रहे हैं, हम तो वेदांती है नहीं, ब्राह्मण भी है नहीं, सन्यासी भी है नहीं, क्यों हमको सुना रहे हैं, हम क्या समझेंगे। भक्तोसी, तुम हमारा भक्त है इसलिए तुमको सुन, तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझेगा। हाँ भक्तोसी पितोसी सखोस सखाचित, तुम्हारा हमसे बहुत घनिष्ठ संपर्क है, मित्र है, तुम भक्त है, इसलिए तुमको हम सुना रहे हैं।